के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने मोबाइल और पर्स लूटने वाली गैंग का खुलासा किया है, जिन्होंने पिछले एक साल में शहर में 23 वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही उनके पास से 23 मोबाइल, 10,000 नगद और बैंक लूटने के दौरान प्रयुक्त मोबाइल मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। यह आरोपी अकेले जाति महिला या कोचिंग स्टूडेंट को लूट कर शिकार बनाते थे। इन आरोपियों ने करीब 2.5 लाख नगद और 10 लाख रुपए के मोबाइल लूट की थी। विज्ञान नगर CI मुद्रीन सिंह ने बताया कि विज्ञान नगर क्षेत्र में पिछले दिनों एक साथ 3 पर्स और मोबाइल लूटने की 3 वारदातें हुई थी। इसके बाद विज्ञान नगर थाना पुलिस ने एक टीम गठित की थी, जिसमें CCTV और मुखबिर की मदद से इन वारदातों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 23 मोबाइल और 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। विज्ञान नगर थानाधिकारी मुनीम सिंह ने बताया कि रावत भाटा के जवारा निवासी मोनू मीणा और कोटा के कोलीपुरा निवासी राकेश पिछले एक साल से यह वारदातें कर रहे थे, जिनमें शाम 5 बजे 10 बजे तक मुंह को ढक कर और पावर बाइक से निकलते थे। अकेली या पति के साथ जा रही महिला से पर्स और कोचिंग छात्रों के मोबाइल फ़ोन लूट लेते थे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर छुपा कर रखा था। साथ ही वारदात के बाद सुनसान रास्ते से शहर के बाहर निकल जाते थे। 20 मई को थाना विज्ञान नगर में 20,000 रुपये में मोबाइल से नई घटना हुई, जिसका मुकदमा लूट की धाराओं में दर्ज किया गया। उसके उपरांत इस मुकदमे को सफल बनाने के लिए प्रयास किए गए। वह मुलजिम राकेश मीणा और मोनू उर्फ श्यामलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। उनसे गहनता से पूछताछ की गई। उन्होंने करीब 23 वारदातों को स्वीकार किया, जो जाति अकेली जाति महिला या पुरुष के साथ जाती हुई महिला का पर्स छीन लेते हैं। हमारे जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें मोटरसाइकिल पर पति पत्नी दोनों जा रहे थे, उसका दुपट्टा मार के और महिला का पर्स छीन लिया। इसी तरह महावीर नगर में भी 40,000 रुपये में मोबाइल छीन लिए। अब तक 23 मोबाइल इनके द्वारा जब्त किए जा चुके हैं, 10,000 रुपये नगद इनसे जब्त किए जा चुके हैं। और जिस पल्सर मोटरसाइकिल से ये वारदात को अंजाम देते थे, उस मोटरसाइकिल को बरामद कर अब तक इन्होंने करीब 1.5-2 लाख रुपये, 2 लाख से अधिक की राशि की लूट कर चुके हैं। सारी वारदात इन्होंने बाइक से की, गाँव से आते थे और वापस गांव में बाहर के रास्ते से निकल जाते। 10 लाख रुपए के मोबाइल बरामद।